छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में आयोजित जल जगार महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला प्रशासन की ये पहल अनुकरणीय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पानी का अधिक दोहन हो रहा है लेकिन जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता। धमतरी जिले में भी जल स्तर काफी ज्यादा नीचे जा रहा था लेकिन जल जगार से सकारात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और इसके लिए जिला प्रशासन बधाई का पात्र है। सीएम साय ने आगे ये कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा करने की ठान ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इस संकल्प को जल जीवन मिशन के तहत गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का काम हमारा है। उन्होंने आगे कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र के आदिवासियों के लिए नियत नीला नार योजना चलाई जा रही है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और साथ में आगे उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को माँ के नाम एक पेड़ लगाने का भी आह्वान किया। तो देखिए, नवरात्रि का पर्व जैसा कि पूरे देश में चल रहा है तो इसी की वानगी छत्तीसगढ़ के धमतरी में भी देखने को मिली और जल जगार महोत्सव का यहां पर आयोजन चल रहा है और यहां पर भी सीएम विष्णुदेव साय मां गंगा की आरती करते हुए देवी दुर्गा की आरती पूजा करते हुए नजर आए। तो देखिए, जल जगार से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, इस तरह की बात कहते हुए नजर आए सीएम विष्णुदेव साय। धमतरी गंगरेल के पंडित रविशंकर जलाशय में दो दिवसीय जल जागर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो भव्य रूप से आयोजन किया गया है, जहां मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। क्या कुछ कार्यक्रम होगा हम आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं नेटवर्क 10 के लिए शमशेर खान, मेरे साथ कैमरामैन रोजन टंडन के साथ।